सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, और बेटा हमारा टॉपिक है, यानी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उकारांत पुल्लिंग शब्द। कल हमने पढ़ा था ईकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में उ की मात्रा हो तो उन्हें उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यथा साधु, गुरु, भानु, ठीक है, आदि। अब बेटा देखो, यहाँ साधु का अंतिम वर्ण क्या है? धू, और धू में किसकी मात्रा है? ऊ की, छोटे ऊ की। किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, इसीलिए उकारांत शब्द रूप कहलाया। इधर गुरु का अंतिम वर्ण क्या है? रु, यानी र में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, इसलिए ये भी क्या कहलाया? उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया। इधर क्या है? भानु, भानु के न में क्या है? ऊ, इसलिए ये भी उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया। अब बेटा देखो, इन तीनों में से ज़्यादातर यही शब्द रूप हमारे सिलेबस के अनुसार चलते हैं, ठीक है, और इन तीनों में से मैं एक आपको बता देती हूँ और उसी के अनुसार आपको ये दोनों बनाने हैं। अब बेटा देखो, यहाँ गुरु जो शब्द है इसमें र आ गया है, इसलिए इसमें जो तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तृतीय एकवचन और षष्ठी बहुवचन है, उन दोनों में चेंज हो जाएगा। बाकी ज्यों का त्यों जैसे भानु शब्द और साधु शब्द चलेंगे वैसे ही चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको कौन सा करवा देती हूँ? भानु, 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 भानवे, ठीक है। अब भानु उ की मात्रा छोटी, विसर्ग द्विवचन में, भानु उ की मात्रा बड़ी, बहुवचन में भानवे, ठीक है, और क्या लग जाएगा? विसर्ग। उसमें क्या हो गया था? हर्य यानी ई को तो यह आदेश हुआ, और यहाँ ऊ को क्या आदेश हो गया? व, ठीक है। अब देखो द्वितीय एकवचन में भानुम, भानुम, भानु, भानून, भानून। तृतीय भानुना, भानुभ्याम, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी, भानुभी, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। चतुर्थी भानवे, भानुभ्याम, भानुभे, भानवे, भानुभ्याम, भानुभे। पंचमी भानो, भानुभ्याम, भानुभे, ठीक है। षष्ठी भानो, पंचमी और षष्ठी में एक जैसे भानो भानो आता है। फिर उसके बाद द्विवचन में भानवो, द्विवचन में क्या जाएगा? भानवो, और भानवो के क्या लग जाएगा? विसर्ग, भानवो, और षष्ठी बहुवचन में भानु नाम। ये मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि जो हरी शब्द है, यानी कि चाहे मात्रा ई की छोटी आए या फिर उकारांत जो चलेगा उसमें ऊ की छोटा चल रहा हो, यानी कि उकारांत, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द छोटे ऊ की मात्रा चल रही है, लेकिन षष्ठी बहुवचन में कैसे हो जाती है? बड़ी हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसलिए षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा? भानु नाम। सप्तमी भानव, भानवो, सप्तमी द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन हमेशा एक जैसे आते हैं। भानवो, भानो, भानाओ, भानवो, भानु, सु। सप्तमी में ऊ की मात्रा कैसी आ जाती है? छोटी। उसके बाद संबोधन में हे भानो, हे भानो,
हे भानु, हे भानो, हे भानु, हे भानवे। ठीक है बेटा, अब देखो ये भानु शब्द के रूप मैंने आपको लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं। जैसे ये बने हैं भानु शब्द के रूप, ऐसे कि ऐसे साधु के बनेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ विसर्ग लगा हुआ है वहीं विसर्ग लगेगा, जहाँ हलंत लग रहा है वहाँ हलंत, जहाँ छोटी मात्रा वहाँ छोटी, जहाँ बड़ी मात्रा वहाँ बड़ी। ये जो गुरु शब्द है, गुरु शब्द में क्या आ गया है, रह आ गया है, इसलिए मैंने आपको पहले नोट करवा दिया है कि जिस संज्ञा शब्द में रह आए, रि आए, षटकोण वाला से आए और क्षत्रिय वाला छ आए, तो वहाँ पर तृतीय एक वचन में, जैसे यहाँ भानु ना है तो यहाँ पर न की जगह क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा, यानी गुरुणा हो जाएगा। ठीक है, और षष्ठी बहुवचन में यहाँ क्या है, भानु नाम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु नाम हो जाएगा इस प्रकार से, और बड़ी मात्रा ऐसे लग जाएगी, गुरु नाम। ठीक है, और ये भी राइट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, गुरु अणा, यहाँ छोटी रहेगी, ये ध्यान रखना, यह मात्रा कैसी रहेगी, छोटी। गुरु शब्द में ये तो छोटी मात्रा है और ये इस प्रकार से कैसी है, बड़ी मात्रा है। जब आप शब्द रूप बनाओ गुरु शब्द के, तो इस प्रकार से मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, बड़ी इस प्रकार से लगेगी, यानी कि जैसे ये बताइए, जहाँ बड़ी का प्रयोग होगा तो ऐसे आपको मात्रा बनानी है, और जहाँ छोटी का प्रयोग होगा तो ऐसे बनानी है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।